तो आज हम सीखने वाले हैं टैली के अंदर। आज हम बात करेंगे टैली प्राइम के अंदर कैसे हम परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री डाल सकते हैं। अब बात आती है परचेज रिटर्न होती क्या है, परचेज रिटर्न का क्या मतलब है। परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि जो सामान आपने ख़रीदा था, हमारी कंपनी ने जो सामान ख़रीदा था, वो सामान हमने किसी भी रीज़न से वापस कर दिया, ये कहलाता है आपका परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न, वो सामान जो हमने बेचा था हमारे पास वापस आ गया, ये कहलाता है सेल्स रिटर्न। जैसे कि अभी अगर मैं अगर यहाँ पर डिस्प्ले में आकर अकाउंट बुक कर अंदर आकर और यहाँ मिल लेता है परचेज रजिस्टर, हमें हमने यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पर हमें इन सभी लोगों से परचेज दिखा रहा है कि हमने करी है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमने आशीष से परचेज किया था, जिसके अंदर बिजी के 180 पीस, टैली के वन के 150 पीस हमें दिए गए, अब हमने इन दोनों की 10-10 क्वांटिटी वापस कर दी, तो ये क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न कहलाएगा। अगर आप यहीं से ही परचेज वाउचर में जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा ऑल्ट के साथ जी बटन पर, और अब आप आओगे लेज़र वाउचर के अंदर, क्रिएट करोगे आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ जी के अंदर क्रिएट वाउचर करोगे, और यहाँ पर अब आप बटन दबाओगे F10 बटन, F10 बटन दबाओगे और यहाँ मिलेगा आपको सबसे ऊपर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अगर आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ F5 बटन दबाओ, और क्रेडिट नोट के लिए दिया गया है ऑल्ट के साथ आपको यहाँ पर F6 बटन दबाना रहेगा। अब हम आते हैं डेबिट नोट के अंदर, तो अब आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ भी आएगा आपके पास डेबिट नोट, और यहाँ कहता है कि आप क्या डाल दो, डेट डाल दो, किस डेट में आपने यहाँ पर रिटर्न किया है। हमने जैसे डेट डाल दी 1/8 की डेट मैंने वापस कर दिया, किसको, आशीष को। और अब आप यहाँ पर कंट्रोल ए बटन दबाएंगे, कंट्रोल ए बटन दबाएंगे और यहाँ मिलेगा अब आपको परचेज रिटर्न अकाउंट। अगर आपने ये बनाया हुआ नहीं है तो ऑल्ट सी बटन दबाकर बनाना परचेज रिटर्न अकाउंट, और इसके अंडर ग्रुप में आपको यहाँ पर डालना रहेगा परचेज अकाउंट। और अब आप सेव करने के लिए कंट्रोल ए बटन दबा के सेव करते हैं। तो हमने यहाँ पर बिजी बन गए 10 पीस वापस करे, खरीदे हमने 40 रुपये के हिसाब से थे, और फिर आपने यहाँ पर टैली वन के भी कितने 10 पीस वापस कर दिए, ये भी हमने 40 रुपये के हिसाब से खरीदे थे, और अब आप सेव कर देते हो। अब जैसे ही आपने सेव कर दी यहाँ पर और आपके पास प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं आया है, और अब आप चाहते ही हैं कि जो भी आप परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न करें आपके पास प्रिंट करने का ऑप्शन भी आ जाए, तो आपको आना रहेगा अल्टर के अंदर, अल्टर में मिलेगा वाउचर टाइप आपको, और यहाँ मिलेगा आपको डेबिट नोट। डेबिट नोट के अंदर आप यहाँ पर देखोगे आपको मिलता है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, इसे यस करोगे, और यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ लिख दोगे डिफ़ॉल्ट टाइटल प्रिंट के अंदर डेबिट नोट, और कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव करोगे। इसी तरह क्रेडिट नोट को भी आप अल्टर करोगे, यहाँ पर जुडिशरी डेली लिख देना और यहाँ पर इसको कर देना आप क्रेडिट नोट, और कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर देना। सेव हो जाने के बाद आगे अब आप वाउचर के अंदर आओगे, और दोबारा से अगर आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ F5 बटन दबाओ तो डायरेक्ट आप आ जाओगे डेबिट नोट वाउचर के अंदर। और अब अगर हमने यहाँ पर दोबारा क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पर अब आप नाम डालना आशीष का या जिस भी से आपने ख़रीदा था उसका नाम, कंट्रोल ए बटन दबाना, कंट्रोल ए बटन दबाया, परचेज रिटर्न अकाउंट, और यहाँ हमने वापस कर दिए बिजी के 5 पीस और टैली के यहाँ पर 5 पीस। और अब आप जब सेव करोगे तो यहाँ पूछेगा प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट करना तो यस कर लोगे, और अगर प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पर अब आप एंटर करोगे, ऑल्ट के साथ जेड बटन दबाओगे तो देखोगे सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको डेबिट नोट, और यहाँ पर पार्टी का नाम, आपकी कंपनी का नाम, और नीचे आपने जो आइटम वापस करी है
उसकी डिटेल आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है डेबिट नोट यानी कि परचेज रिटर्न वाउचर। अब इसी तरह से आपने क्या करा, सेल करी होगी और वो अगर आपके पास सेल वापस आ जाती है तो ये कहलाता है सेल रिटर्न। तो सेल देखने के लिए हम आ जाते हैं एक बार डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर, अकाउंट बुक के अंदर, और यहाँ आपको दिखाई देता है सेल्स रजिस्टर। सेल रजिस्टर में आप आ जाते हो और आपने जैसे कि निकाल लिया ABS गारमेंट को, हमने यहाँ पर सेल करी हुई है बिजी टू, टैली टू और बिजी वन। ये आप डायरेक्ट इसका ABS गारमेंट का लेजर भी निकाल के आप टोटल सेल देख सकते हैं कि आपने कितनी सेल करी है। ठीक है, टैली प्राइम के अंदर लेजर निकालने की दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप ऑल्ट के साथ जी बटन दबाओ और लेजर वाउचर में आओ और पार्टी का नाम यहाँ पर टाइप करो और उसका लेजर निकल कर आ जाता है। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप बटन दबाओ, क्या बटन, डी डिस्प्ले ए अकाउंट बुक और फिर एल बटन दबाओ, जिसकी शॉर्टकट की होती है DAL। अब आप अगर यहाँ पर नाम लिखोगे तब भी आपका यहाँ पर लेजर निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर आप F2 बटन दबा के डेट डाल देना 1/4 से लेकर जब तक आपको देखना है। तो हमने ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर ABS गारमेंट से करी हुई है। अब हमें क्या करना है, सेल रिटर्न करनी है। तो हमने खरीदा था बिजी टू, टैली टू, उसको बेचा था बिजी टू, टैली टू और बिजी वन। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमारे पास वापस आ गया। तो अब आप दोबारा से वही करोगे, वाउचर में आओगे, ऑल्ट के साथ F6 बटन दबाओगे, क्रेडिट नोट, आपने यहाँ पर डेट डाल दी और यहाँ आपने पार्टी का नाम डाल दिया, कंट्रोल ए बटन दबाया, कंट्रोल ए, और अब आपने लिखा सेल्स रिटर्न अकाउंट, और यहाँ पर आपने जो सामान सेल किया था वो सामान आपने यहाँ पर क्वांटिटी डाली। और अब आप अगर इसको सेव करोगे यहाँ पर देखोगे तो अब आपको बोलेगा क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है तो यस करोगे, आपको प्रीव्यू देखना है तो आपने यहाँ पर यस किया। ऑल्ट के साथ अगर आप जेड बटन दबा दोगे तो जूम हो जाएगा। और अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास लिखा हुआ मिलता है यहाँ पर क्या, क्रेडिट नोट यानी कि सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो हमारे पास ये गुड्स वापस आ गए, 10 पीस आ गए यहाँ पर, 50 रुपये रेट से हमने इसे बेचे थे। तो ये हमारा सेल रिटर्न यहाँ पर हो गया। अब सेल रिटर्न हो जाने के बाद तो हमने परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न करना सीख लिया। अब इसके बाद एक चीज़ और होती है आपकी यहाँ पर, आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट विदाउट रिटर्न। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपने कोई परचेज करी और उसमें कुछ सामान आपका डिफेक्टेड निकल गया, या आपने जब परचेज किया तो वो सामान आपको ज़्यादा रेट लगा के दे दिया गया, या इसी तरह हमने आगे सेल किया तो हमने प्राइस ज़्यादा लगा दिया। ठीक है, तो इस चीज़ों की जो डिफरेंस है दूर करने के लिए भी हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज़ करते हैं। ये होता है हमारा विदाउट आइटम, जिसके अंदर आइटम का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ अमाउंट का रोल होता है, अमाउंट हमें कम करना होता है। अब अगर आपको इस तरह की एंट्री डालनी है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की, जिसके अंदर सिर्फ प्राइस को क्या करना है, आपको इफेक्ट करना है, जैसे कि हम यहाँ पर एक लेजर निकाल लेते हैं, लेजर में आकर, और हमने यहाँ पर जैसे लेजर निकाल लिया अली का, और हमने यहाँ पर F2 बटन दबाकर डेट डाल दी, और अली से हमने यहाँ पर जो परचेज़ किया था बिजी 6, टैली 6 और सैफो, हमने बोला कि हमने यहाँ पर जो सामान खरीदा था, हमारी आपसे अली से प्राइस की बात हुई थी यहाँ पर 30 रुपये पर पीस के हिसाब से, लेकिन अली ने हमें जो बिल बना के दिया वो 40 रुपये पर पीस के हिसाब से दे दिया। हमने यहाँ पर कितनी क्वान्टिटी खरीदी है, 430, डिफरेंस कितने का है यहाँ पर हमारा, 10 रुपये पर पीस का यहाँ पर डिफरेंस है। तो यहाँ पर 430 मल्टीप्लाई आपने 10 किया तो 4,300 रुपये अली के, हमारे अली ने हमारे बिल में ज़्यादा ऐड करे हुए। अब हमें ऐसा नहीं करना होता है कि भाई हमारी बात हुई है 330 रुपये में तो हम इसको चेंज करते हैं, ऐसा हम कभी भी नहीं करते। अब इस अमाउंट को दूर करने के लिए, डिफरेंस को दूर करने के लिए
आप क्या यूज़ करते हो, डेबिट नोट वाउचर का, या कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको कोई डिस्काउंट मिल जाता है, तो उस केस के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, डेबिट नोट वाउचर का। और कई बार हम क्या करते हैं, डिस्काउंट दे भी देते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रेडिट नोट वाउचर का। अब देखो, हमने ये मान लिया हमें डिस्काउंट ही मिल गया या रेट कम है, बेसिकली अमाउंट के डिफरेंस को कम करने के लिए हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं। अब आप आओगे यहाँ पर, वही ऑल्ट के साथ F5 बटन दबाओगे डेबिट नोट, और यहाँ मिलेगा आपको चेंज मोड, ऑल्ट H बटन दबाओगे और यहाँ आप डालोगे अकाउंटिंग इनवॉइस या फिर एज वाउचर, तो आप इसे डाल सकते हो अकाउंटिंग इनवॉइस। अब यहाँ पर डालना है आपको क्या, पार्टी का नाम अली, और कंट्रोल A बटन दबाया आपने यहाँ पर, और यहाँ पर आपने लिख दिया ऑल्ट C बटन दबाकर डेबिट नोट, और इसके अंडर ग्रुप में दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप अपनी परचेज की वैल्यू घटा सकते हो या फिर आप इसको इनकम मान सकते हो। हमने इसको घटा दिया परचेज, और कंट्रोल A बटन दबा के सेव किया, हमने कहा 4,300 रुपये क्या कर दो, कम कर दो। और अब अगर आप प्रीव्यू देखोगे तो कुछ इस तरह से इसका प्रीव्यू आपको दिखाई देता है, लिखा हुआ मिलेगा डेबिट नोट का 4,300 रुपये। अब अगर आप क्या करोगे, अली का लेजर निकालोगे, ऑल्ट जी बटन दबाकर लेजर वाउचर में आओगे, और अली का लेजर निकाला आपने, F2 बटन दबाया, डेट 1/4 से डाली, तो 4,300 रुपये और क्या हो गए, यहाँ पर कम हो गया, डेबिट कर दिया हमने इतने, ठीक है, ये कहलाता है आपका डेबिट नोट। इसी तरह से आपने क्या कर दिया, आपने सेल करी है किसी पार्टी को और अब आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पर अब आप ऑल्ट के साथ F6 बटन दबाओगे और चेंज मोड करोगे अकाउंटिंग इनवॉइस, और यहाँ पर क्या डाल दोगे, जिसको आपने यहाँ डिस्काउंट दिया उसका नाम, कंट्रोल A बटन दबाया, कंट्रोल A, और यहाँ आपने लिख दिया डिस्काउंट अलाउ, जितना डिस्काउंट दे दिया तो आपने वो वैल्यू डाल दी, आपने कहा भाई 2,000 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है क्रेडिट नोट। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीखा टैली प्राइम के अंदर कैसे हम परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के एंट्रीज डाल सकते हैं, और हमने जो एंट्री डाली है उसकी रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट बुक के अंदर, और यहाँ मिलेगा आपको क्या, डेबिट नोट रजिस्टर, तो आपके पास डेबिट नोट रजिस्टर आ जाएगा, और नीचे अब अगर आप देखोगे तो क्रेडिट नोट रजिस्टर मिल जाएगा, इसमें आपने यहाँ पर एंट्री डाली। आज की क्लास हम यहीं और करते हैं।